हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुड फूड गुड लाइफ। मैं हूं आपकी दोस्त पारुल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्वाद से भरपूर टेस्टी और लाजवाब पराठा की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आज हम बनाएंगे बथुआ का पराठा। ये पराठा बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। देखिए, बथुआ को हमने तोड़ लिया, उसके बाद उसको काट कर अच्छे पानी से धुल दिया था 4-5 बार। उसके बाद मैंने यहाँ आटा लिया है, आटा मैंने नॉर्मल जो आटा हम यूज़ करते वो लिया है, और प्याज और हरी मिर्च को बारीक काट दिया। उसके बाद उसको आटे में मिक्स कर देंगे, बथुआ को मिक्स करेंगे। और अब इसमें डालेंगे हम जीरा और हींग, नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे, जैसा आपको नमक खाना हो। और साथ में अगर आपको थोड़ा सा इसमें ऑयल डालना है मोइन के लिए, तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, पराठा ऐसे ही बहुत अच्छा बनता है। तो सबसे पहले आटे और बथुआ को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत है पानी डालने की, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। ये पराठा बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं, और सर्दियों के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है ब्रेकफास्ट में बनाने का। बच्चों को आप टिफ़िन में दे सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बनाकर खा सकते हैं, और जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, स्वाद से भरपूर होता है। देखिए, आटा हमने तैयार कर दिया, अब इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। उसके बाद इसका पराठा बनाएंगे। आटा सेट हो गया था, और अब हम पराठा को बना लेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल पराठे बनाते हैं 2 या 3 लेयर के, उसी तरह से हम ये पराठा भी बनाएंगे। देखिए, पराठा हम बनाएंगे सरसों के तेल में, क्योंकि सर्दियों में सरसों के तेल का पराठा बहुत अच्छा लगता है। तेल को आप अच्छे से गर्म कर लीजिए, खूब अच्छे से उबाल आने तक। उसके बाद उसको उसका पराठा बनाइए उसी तेल से, बहुत टेस्टी लगता है, और ये बिल्कुल भी नुकसान भी नहीं करता है। तो सर्दियों में आप कोशिश करिए कि आप सरसों का ऑयल ही यूज़ करिए। इसी तरह से हम सभी पराठे को बना लेंगे, और आप इसको चाहे तो हरा धनिया की चटनी के साथ खा सकते हैं, नहीं तो आप चाय के साथ भी इसको खा सकते हैं। टेस्टी बथुआ का पराठा बनकर तैयार है, इसको आप टिफ़िन में दे सकते हैं, और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।